जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं EPFO की वैकेंसी को लेके। जो ये EPFO की वैकेंसी आई हुई है, इसमें स्टेनोग्राफर में क्या कुछ पूछा जाएगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, उसको लेके इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ EPFO, ठीक है, EPFO, ओके। अब बात होगी कि इसका सिलेबस क्या है। मैंने एक वीडियो आपको दिया है और उसमें काफ़ी मैंने चर्चा की है कि कैसे एलिजिबिलिटी है, बहुत कुछ चीज़ें उसमें डिस्कशन हुई हैं। अब इसमें जो हम बेसिक बातों को करने वाले हैं कि एक डिटेल एनालिसिस लेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर के अकॉर्डिंग जो ईपीएफओ की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, ठीक है, स्टेनोग्राफर, इसके सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर का क्या रोल होने वाला है। तो मैं तो कहूंगा दोस्त कि इंग्लिश ग्रामर का ही रोल है पूरे पेपर में। क्या है, पूरे पेपर में इंग्लिश ग्रामर का ही रोल है। तो इंग्लिश ग्रामर को लेके क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म कैसे भरेंगे, उसको तो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बड़ी सावधानी से भरिएगा। बहरहाल सिलेबस की बात करने आया हूँ तो इस क्लास में सिलेबस की चर्चा करेंगे। इंग्लिश में जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछता है, सेम टाइप का सिलेबस इसमें रहेगा ईपीएफओ में। मैं इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूँ जो आपका 100 क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। अब इसमें क्या कुछ रहेगा, आप ये ध्यान रखना है, इसमें नो एरर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास पैसेज रहेगा। ये देखो, पैसेज डिपेंड करेगा कि 2 रहेगा या 3 रहेगा, इट डिपेंड्स, ठीक है, ऐसा डिपेंड करेगा कि 2 रहेगा या 3 रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्लोज टेस्ट भी पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी आपको क्लियर रखना है कि 3 पूछे जाएंगे या 4 पूछा जाएगा, क्योंकि स्टेनो में तो 4 पूछे गए थे, 4 कैसे, 5-5 वाला 4 था, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज ये देखना है कि 10 का 2 पूछा जा सकता है या फिर 5 का 4 पूछा जा सकता है, ओके। 10 का 2 पूछा जा सकता है, 5 का 4 पूछा जा सकता है, और क्या क्या रहेगा, जैसे इसमें आपको फिलअप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फिलअप के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे PQRS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको हम बोलते हैं पैरा जंबल, ठीक है, ये आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कैप की बात करो दोस्त, तो वो कैप के हिस्से में बड़ा ही फेर बदल होने वाला है इस पेपर में। जितना आप एसएससी स्टेनोग्राफर को देखते हो उससे थोड़ा सा ऐड होगा, मतलब थोड़ा कुछ ऐड होगा, ठीक है। जैसे साइनोनिम्स तो पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स आपसे 5 पूछे जाएंगे, एडियम्स भी आपसे 5 पूछा ही जाएगा, नो डाउट। अब इसमें क्या क्या चीजें और एडेड रहेंगी ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अब एडेड रहेंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, वन वर्ड इसमें ऐड रहेगा, वन वर्ड की लिमिट देखनी पड़ेगी कितनी रहेगी। वैसे मिनिमम मान के चलिए और मैक्सिमम भी मान के चलिए कि 5 तो रहेगा, मिनिमम में हो सकता है 2-3 पूछे वो। और स्पेलिंग टेस्ट भी रहेगा, ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट भी रहेगा इसमें, जो आपसे स्पेलिंग पूछ लेता है ना, जैसे एक्यूरेसी लिखा, चारों एक्यूरेसी लिखा, किसी में डबल सी डबल एस, अलग अलग अल्फाबेट उसमें यूज करके एक्यूरेसी का एक्चुअल पूछ लिया कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ट वाला या इनकरेक्टली स्पेल्ट वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके नरेशन के क्वेश्चन आते हैं, आपके नरेशन के क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में, वो 10 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही आपका पैसिव का क्वेश्चन 10 रहेगा। टोटल आप देखोगे तो ये 100 क्वेश्चंस आपके आपके सिलेबस में इन्हीं 100 क्वेश्चंस का रोल रहेगा। जो थोड़ा बहुत इधर उधर होने वाला है वो यही पैसेज और क्लोज टेस्ट पे इधर उधर होगा। रीजन व्हाट, रीजन ये है क्योंकि आपको वन वर्ड और स्पेलिंग टेस्ट इसमें ऐड किया जाएगा, इस पेपर में वन वर्ड और स्पेलिंग टेस्ट ऐड किया जाएगा, इसलिए ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया इंग्लिश ग्रामर का। पूरा 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर का ईपीएफओ के लिए हो गया, ठीक है, ईपीएफओ के लिए ये सिलेबस हो गया। बात ये भी करना है कि एक्चुअल में ये बताइए कि ये एग्जाम कब तक होगा। यार ये तो सस्पेंस बना हुआ, लेकिन जो मुझे एनालिसिस करने को मिला है, मिनिमम मैं कह सकता हूँ मिनिमम जो आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, अभी फिलहाल कोई एग्जाम का डेट नहीं है। ऐसे मेरा कह सकते हैं, मेरा खुद का बोल सकते हैं, मैं खुद प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा,
लगभग लगभग में, ठीक है, क्योंकि जो यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ की वैकेंसी आती है उसी तरीके से ईपीएफओ की वैकेंसी ये भी है। मिनिमम आपको 90 डेज तो मिलने ही वाले हैं जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा कि ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, ऐसा मुझे लग रहा है और कैलेंडर देखने के बाद यही लग रहा है कि मिनिमम 90 डेज आपको मिलेंगे। इतने ही दिन का ये टारगेटेड बैच भी रहेगा, इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर, इस क्लास में आपको कंप्लीट ग्रामर, ठीक है, कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा। वो कैप्स कवर किए जाएंगे, ठीक है, वो कैप्स बड़े अच्छे से कवर किए जाएंगे। उसका पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलेगा, पीडीएफ्स भी मिलेंगे आपको, और पैसेज वगैरह के पैसेज, ठीक है, पैसेज और क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी, ठीक है, इन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी। आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया गया, 90 डेज का टारगेट रखेंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंग्लिश ग्रामर को ही क्यों तैयार करें, क्योंकि आपको मैंने सिलेबस बता रखा है कि 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे, स्टेनोग्राफर की, स्पेशली ईपीएफओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 50 जीयर और 50 रीजनिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ। लेकिन आप ध्यान रखना, इंग्लिश को लेकर 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए ये जानिएगा कि 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से इस क्लास को शुरू किया जाएगा, 1 अप्रैल से इस क्लास को शुरू किया जाएगा। इस बैच का रजिस्ट्रेशन कल से ओपन होगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट, यहाँ देखना, बड़ा ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, जितने भी दोस्त यार साथी, जितने भी लोग हैं, अगर ये लोग, ठीक है, 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक एडमिशन लेते हैं, ठीक है, इस बैच में एनरोल होते हैं, तो उनकी फी केवल 300 है। उनकी फी केवल कितनी है? 300 है। अगर वो लोग, क्योंकि देखो, अगर साल भर का होता तो फीस स्टेनो वालों से पूछ लेना, 600 फीस ली जा रही है। मैं केवल 90 डेज का ये बैच टारगेटेड बना रहा हूँ, और अगर 31 मार्च तक, ये टिल है, इसके बाहर मत जाना, ठीक है, 31 मार्च तक अगर आप इस बैच को लेंगे तो आपको ये 300 में पड़ेगा। इसमें कंप्लीट चीज़ें आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड दी जाएंगी। आप अगर 31 मार्च के बाद आते हैं, वीडियो को देख के आएँ चाहे जैसे आएँ, अगर 31 मार्च के बाद आते हैं तो इस क्लास की टोटल फीस आपकी हो जाएगी 449 हो जाएगी। इस क्लास से जुड़ने के लिए आपको ट्यूशन घर ऑफिशियल का ऐप डाउनलोड करें आप, ठीक है, ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप क्लासेस को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक नंबर मैंने दे रखा है सबको, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, 9628740733। इस नंबर पे आप WhatsApp भी कर सकते हैं और क्लास के बारे में डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट ग्रामर आपका फिनिश कराया जाएगा, जितने भी घंटे की क्लास पॉसिबल होगी उतने आवर की आपकी क्लास कराई जाएगी, वो कैप्स आपको दिए जाएंगे, याद कराने की पूरी उसमें कोशिश रहेगी, पीडीएफ्स प्रोवाइड होंगे, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूएस, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी होगी, नरेशन वगैरह की प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी शाम में चलती है, शाम में रात में 10 बजे वो चलती है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन चलता है, वो लाइव टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों से फिर कहूँगा कि अगर 31 मार्च तक आप आ जाते हैं क्लास में तो 300 ही फी पे करनी है, एंड आफ्टर 31 आप आते हैं तो 449 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट रखा हूँ। रीज़न ये है कि क्योंकि डेट का एग्ज़ाम का तो पता नहीं है, लेकिन 90 दिन मान के चला जा रहा है कि इतना दिन तो आपको टाइम दिया ही जाएगा। अब बीच में कुछ उलट फेर हो जाए तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नीचे इस नंबर पर दिया गया व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछिए, ईपीएफओ के बारे में कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो आप ज़रूर जानकारी लें। बाकी अगर आप SSC स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वजह से भी जुड़ सकते हैं। और रही बात, कई सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि चैनल पे सर क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस क्लासेस चैनल पे भी मिलेंगी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में EPFO के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है, तो चैनल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगी। अगर आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आप ज़रूर ऐप से जुड़े और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।